अच्छा जी, एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पहली बात तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो फुल फ्लेश टॉपिक है वो एस लेवल अकाउंट्स का पार्ट है, ओ लेवल अकाउंट्स का पार्ट नहीं। तो सवाल ये आता है, यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं? ओ लेवल अकाउंट्स में सिर्फ इन्वेंट्री की एक एडजस्टमेंट है, और वो जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। IAS कहता है इन्वेंट्री को वैल्यू करना है दोनों में से लोअर वैल्यू पे। किस में से दोनों में से लोअर पे? एक है इन्वेंट्री की कॉस्ट और एक है नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है मेरे भाई समझे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला होता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू का मतलब कितने का बिक सकता है आइटम, कॉस्ट टू सेल का मतलब बेचने वाली कंडीशन में लाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। एक एग्जांपल पे बात करता हूँ। एग्जांपल ये भाई, आपकी मोबाइल शॉप है और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन था, फॉर एग्जांपल हुआवे का, और जो आपने ख़रीदा था दुकान के लिए 20,000। कॉस्ट कितनी थी भाई मोबाइल फ़ोन की? 20,000। अब हुआ ये मोबाइल फ़ोन जो है वो नए मॉडल आते हैं आपको पता है बहुत जल्दी, तो कुछ टाइम ये पड़ा रहा आपकी दुकान में और अब उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई। फॉर एग्जांपल अब ये बिक सकता है 18 का बिक सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं बिक सकता। पहले आप महंगा बेच रहे होंगे 22-23,000 रुपये का, अब कितने का बिक सकता है? 18 का। 18 का भी कब बिकेगा? जब बिल्कुल ओरिजिनल फिट फाट कंडीशन में होगा। हुआ ये कि जो मोबाइल फ़ोन आप बेचने जा रहे हैं ये इसका जो डब्बा है, इसकी जो पैकिंग है वो क्या हो गई? डैमेज। अच्छा हुआ ये दुकान में कुछ सीपेज वगैरह थी, पानी आ रहा था शेल्फ़ में से, जिसकी वजह से उसका डब्बा क्या हो गया? पूरा डैमेज हो गया। अब आपको पता है कि जो नया फ़ोन खरीदेगा 18,000 रुपये का, तो वो फिर फटा हुआ डब्बा तो नहीं लेगा। तो अब आपने जब तक वो फ़ोन जब तक नहीं बिकेगा जब तक उसके लिए नया डब्बा अरेंज ना करें। आपने कंपनी से बात की, कंपनी ने वालों ने बोला हम आपको डब्बा दे देंगे, लेकिन डब्बा कितने का आएगा भाई? 1500 रुपये का आएगा। कितने का भाई? 1500 रुपये की इसकी नई पैकिंग आएगी। 18 का कब बिकेगा फ़ोन? जब 1500 रुपये से खर्च करेंगे, बताओ 18 का बेचेंगे 1500 एक्सपेंस करने के बाद हाथ में कितने पैसे आएंगे? 16,500 हाथ में पैसे आएंगे। 16,500 खरीदा कितने का था? 20 का। और अब इसकी औकात कितनी रह गई है? 16,500। बताओ लोअर वैल्यू कौन सी है? 20 और 16,500 दोनों में से लोअर, लोअर वैल्यू आ रही है भाई 16,500। इसका मतलब IAS 2 है इसका। IAS 2 क्या है भाई? IAS होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सही है ना? अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं हर एरिया के लिए। ओ लेवल वालों को सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है सिर्फ आपके लिए और वो है IAS 2। और उसका भी अगर आपको नाम याद रखो तो अच्छा है, MCQ में पूछता है वो कभी कभार। लेकिन और कुछ इसमें आपको ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए IAS 2 जो है जो इन्वेंट्री को गवर्न करता है वो कहता है इन्वेंट्री को वैल्यू करो कॉस्ट और NRV दोनों में से लोअर वैल्यू। कॉस्ट का मतलब जितने का हमने ख़रीदा था, सही है, और NRV का मतलब उसको बेच बाज के कितने पैसे हाथ में आ सकते हैं, रियलाइज कितने पैसे। लोअर वैल्यू कौन सी है? 16,500। तो हम 20 का फ़ोन अपने स्टॉक में से हटा के उसकी जगह कितने का रख देंगे? 16,500। इसका मतलब वो जो डिफरेंस है दोनों का 3,500 वो हो गया लॉस। यार वो लॉस अभी हुआ नहीं है, वो लॉस कब होगा? जब ये फ़ोन एक्चुअली बिकेगा। लेकिन वो जो लॉस हुआ नहीं है उसको अभी बुक कर लें। क्यों बुक कर लें? प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो लॉस जो फ्यूचर में होने वाला है उसके होने का इंतज़ार ना करें, उसको आज ही बुक कर लें। वो लॉस जो फ्यूचर में हो सकता है उसके होने का इंतज़ार ना करें बल्कि उसको आज ही बुक कर लें। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सही है। तो प्रूडेंस कहता है लॉस अभी बुक कर लो और अपने प्रॉफिट को जानबूझ के ओवरस्टेट ना करो, और अपने एसेट को जैसे इन्वेंट्री है उसको भी ओवरस्टेट ना करो। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में ये जो फ़ोन है जिसकी बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यही फ़ोन आपने ख़रीदा होता कितने का? 15,000 का। और NRV अभी भी कितनी है? बाकी सिनेरियो सारा सेम है, 16,500। 15 का ख़रीदा था, बहुत अच्छी आपको बार्गेन डील्स मिल गई थी, आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी में फ़ोन उठा लिए थे, और अभी भी वो फ़ोन 18 का बिकता है मार्केट में, लेकिन उसका डब्बा डैमेज हो गया है। 1500 हमें इस पर कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अभी भी हाथ में कितने पैसे आएंगे? 16,500। ख़रीदा था 15 का और 16,500 का बिक सकता है, बताओ लोअर वैल्यू कौन सी है, 15 या 16,500? अब लोअर वैल्यू है 15,000, तो हम इसको 16,500 पे नहीं रखेंगे बल्कि 15 पे ही रहने देंगे। इसका मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉस नहीं हुआ हमें, सही है। प्रूडेंस कहता है हायर वैल्यू पे नहीं रखो, लोअर वैल्यू। अगर 15 का फ़ोन हम 16,500 पे ले जाए, इसका मतलब वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में हो सकता है उसको हम आज ही बुक कर ले, तो ये प्रूडेंस के खिलाफ। प्रूडेंस कहता है कॉस्ट और NRV दोनों में से लोअर वैल्यू लेनी है, हायर वैल्यू नहीं लेनी।
अब आ जाते हैं भाई सवाल पे, हाउ शुड इन्वेंट्री बी वैल्यूड, कॉस्ट पे, हायर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर हो। अब देखो पीस ऑफ केक हो गया आपके लिए जब आपको मैंने समझा दिया, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी।